यौम दिफा गयूर और बहादुर कश्मीरियों से इजहारे यकजहती के तौर पर मनाएंगे। आज दुनिया के लिए भी ये पैगाम है कि मसला कश्मीर अक्वामे मुत्तहिदा की करारदादों और जम्मू कश्मीर के अवाम की उमंगों के मुताबिक हल किए बगैर जनूबी एशिया में पायदार अमन का ख्वाब पूरा नहीं हो सकता। कश्मीर पाकिस्तान की शहरागह और दिफाई हसार है। कश्मीरियों के मौकफ का दिफा पाकिस्तान के दिफा को मजबूत करने के मुतरादिफ है। ये दिन हमें जंगे सितंबर के उन दिनों की याद दिलाता है जब पाकिस्तान की मसल्ला फौज और पूरी कौम ने भारतीय जाहिरियत के खिलाफ अपनी आजादी, सालमियत और कौमी वकार का भरपूर दिफा किया। इस दिन हमारे नडर और बहादुर मसल्ला फौज के सिपाहियों ने दुश्मन के नापाक और घनौने अजायम को खाक में मिलाया। हम अपने गाजियों और शहदा को खराज तहसीन पेश करते हैं जिन्होंने जुरत शुजात की अनमोल तारीख रकम की। शहदा और गाजियों का दिन है जिनके लहू की खुशबू मादरे वतन में आजादी, सलामती और एतमाद की किरण बनकर तुलू हुई। हमारे शहदा कौम का फख्र है जिन्होंने अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को मार भगाया और अपने जज्बा शहादत से दफाए वतन की लाजवाल दास्तान रकम की। ये पाकिस्तान की अस्करी तारीख का यादगार और शानदार दिन है। आज भी हमें 1965 वाले जज्बे और बेमिसाल इतिहाद की जरूरत है क्योंकि ये दिन दिफाए वतन के लिए हर किस्म के खतरात के खिलाफ हमारे मजबूत अजम का अयादा करता है। हमारी मसल्ला फौज दुश्मन की जानब से किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पेशावराना सलाहितों और इस्तादाद कार से पूरी तरह लैस हैं। ये तजदीद अहद का दिन है कि हम जंगे सितंबर के जज्बे से सरशार होकर इतिहाद यकजहती